एक सिंपल सा करियर मैं आपको बता रहा हूँ, फिजियोथेरेपी। सुना इसके बारे में सबने? अभी कुछ दिन पहले मेरी नेक में थोड़ा सा पेन हुआ, मैंने गूगल पे जा करके सर्च किया फिजियोथेरेपी सर्विसेज एट होम इन माय एरिया। लोकेलिटी मैं नहीं बताऊंगा नहीं तो लोग मेरे घर आ जाएंगे। तो मैंने सर्च किया, वहाँ पर ऊपर कुछ लिस्टिंग्स आई, कुछ वेबसाइट्स आई, उसमें एक डॉक्टर का नाम मुझे मिला। उनकी मैं वेबसाइट पर गया, वहाँ जा करके उन डॉक्टर के बारे में मैंने 2-3 मिनट पढ़ा, समझा, मुझे अच्छा लगा पढ़ करके समझ करके। उनको फ़ोन किया, वो मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे 7 दिन तक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया। वो एक ट्रीटमेंट का लेते हैं 500 से 700 रुपये, कई बार 1000 रुपये भी लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लिकेशंस एंड टाइम इन्वॉल्व्ड। मेरे से उन्होंने लिए 500 रुपये। मैंने उनसे पूछा, मैं ऑन एन एवरेज कितने ट्रीटमेंट्स करते हो? उन्होंने कहा, एक दिन का ऑन एन एवरेज मैं 8 से 10 ट्रीटमेंट्स करता हूँ। मैंने कैलकुलेशन करी, दिमाग चलाया, 8 से 10 का मतलब क्या हुआ? 4 से 5 हज़ार रुपये एक दिन का, एक महीने का नहीं, एक दिन का। कितना हो गया एक महीने का? 1-1.25 लाख रुपए। अभी उनको 4 साल हुए अपनी फिजियोथेरेपी करे हुए, ये नहीं है कि 40 साल हो गए, 4 साल। समझ रहे हो? क्या किया उन्होंने, कैसे किया उन्होंने, वो सब आ जाता है स्मार्ट वर्क के अंदर। उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क किया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर जाकर के कॉम्पीट करते हैं, वहां होता है नहीं, जाकर के किसी लोकल कॉलेज में फंस जाते हैं, वहां से निकल करके जॉब के लिए धक्के खाते हैं, इसके आगे सोच बढ़ी नहीं पाती है। जॉब नहीं मिल रही तो दुखी हो जाते हैं, उसके बाद में जब बहुत टाइम तक जॉब नहीं मिल रही होती तो जो भी जॉब होती है, जैसी भी जॉब होती है, कर लेते हैं। होता है प्रैक्टिकली ऐसा है? नहीं होता है। पढ़ाई करिए किसी फील्ड में, जॉब कर रहे हैं किसी और फील्ड में, मतलब जो वो पढ़ाई करी वो बेकार हो गई। स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? आप एक फिजियोथेरेपी कॉलेज में गए, कोई टॉप कॉलेज नहीं जहाँ पे अगेन कॉम्पिटिशन है, किसी लोकल कॉलेज से। क्योंकि कोई भी जब फिजियोथेरेपी कराता है तो पूछता नहीं आपने कौन से कॉलेज से किया है। मैंने नहीं पूछा, कोई नहीं पूछता। तो किसी भी कॉलेज से अच्छे से जा करके आप स्टडी करके आ गए, डिग्री लेकर के आ गए, आप कहीं भी जाओगे कभी भी आपको जॉब तो मिल ही जाएगी, जो सुन करके आपके घर वाले कन्विंस हो जाएंगे, कहेंगे हाँ ठीक है, एक बैकअप प्लान तो है। तो एक ऐसा रास्ता जहां पर वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको जॉब भी मिल जाए, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो की कोई अपर लिमिट ना हो। अब बात आती है कैसे करोगे आप इस चीज को, इसका स्कोप देखो कि आने वाले टाइम में, अभी जितनी तेजी से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब लोग इस तरह भाग रहे हैं, सबके ये प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। बैक में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, नेक में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, और पता नहीं कितनों को कितनी आनी आ भी रही है। आपके घर में भी जो आपके पेरेंट्स हैं उनके सबको कहीं ना कहीं दर्द होगा। तो आपने पहले तो ये समझा कि हाँ इसका स्कोप कभी कम नहीं होने वाला, बढ़ने ही वाला है, ठीक है। इसमें कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा जब स्कोप ज्यादा है तो, लेकिन किन लोगों के लिए बढ़ेगा? जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क को समझ पा रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आपने कहा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, वो मुझे समझ आ रहा है, जैसे मैंने फिजियोथेरेपी का किया, सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, तो इसके साथ में कुछ और चीजें भी हैं जो मुझे सीखनी पड़ेंगी। क्या सीखना पड़ेगा जिसका हो सकता है इससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन ना हो? एक महीने का छोटा सा कहीं से वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया, और ऑनलाइन मार्केटिंग का, कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं। गूगल में जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो वहाँ पे एड्स आती हैं, उसको बोलते हैं गूगल एडवर्ड्स, ये किस तरह से काम करता है। आपने कहा ऑनलाइन मार्केटिंग मैंने सीख ली, उसके अलावा मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा, क्योंकि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ और मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ बात करने में, तो कोई मुझे दोबारा क्यों बुलाएगा। तो आपने क्या किया, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक कोर्स किया एक महीने का, उसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स किया 6 महीने का या 1 साल का। इस सबसे हो क्या रहा है? आप एज एन इंडिविजुअल बेटर बनते चले जा रहे हो। उसके बाद में धीरे धीरे आप अपनी एक क्लाइंटेल बनाओगे। शुरू में मान लो आपको दिन में 2 या 4 लोगों ने बुलाया, वर्स्ट केस सिनेरियो मान लो ना, घर से आप ऑपरेट कर रहे हो, अभी आपने कोई अपना क्लिनिक नहीं बनाया है, घर से आप ऑपरेट, और ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। अपने नाम को मल्टीपल वेबसाइट्स में आप लिस्ट कर दोगे, इनको डायरेक्टरीज बोलते हैं, ऑनलाइन डायरेक्टरीज। तो ऑनलाइन सर्च इंजन में कोई भी कुछ भी सर्च करेगा तो कहीं ना कहीं वो आप तक पहुंच जाएगा, चाहे वो एक वेबसाइट के थ्रू पहुंचे, चाहे आपके थ्रू पहुंचे, चाहे ऐड के थ्रू पहुंचे, चाहे कहीं से भी पहुंचे, वो आप तक पहुंचेगा। अगर उनको आपने सेटिस्फाई कर दिया अपनी बातों से भी, अपने ट्रीटमेंट से भी, ईमानदारी से जेन्युइनली अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो क्या करेंगे? लोकेलिटी में रिकमेंड करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में करेंगे, अपने रिलेटिव्स में करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ महीनों में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ये नहीं है सारा काम एक दिन में हो जाएगा।
तो आप सीखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, धीरे धीरे आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता लगेगा, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में पता लगेगा। इसमें हजारों तरह के इक्विपमेंट्स हैं, हजारों तरह की चीज़ें हैं अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए। इतनी बड़ी फील्ड है ये। आप आने वाले टाइम में फिजियोथेरेपी का एक ऐसा क्लिनिक बना सकते हो अपनी सिटी में या कहीं पर भी, जो अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट हो, मतलब ऐसा जो पूरे इंडिया में ना। और क्लिनिक आप ऐसे करते करते धीरे धीरे, अभी एक दिन में या दो दिन में नहीं होगा, मान लो 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, क्लिनिक कितना बड़ा हो सकता है, कितने क्लिनिक्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, कोई लिमिट नहीं। अगर कुछ लोग जो मेरी इन बातों को समझ पाए, जो बातें मैं कर रहा हूं, और कुछ ऐसी डायरेक्शन में जा पाए सेंसिबल तरीके से, स्मार्टली, नॉट बाय डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट बाय डूइंग स्मार्ट वर्क, तेजी से आगे बढ़ पाए, तो आने वाले टाइम में यही वो लोग होंगे जो आने वाले टाइम में लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। अंदर से एक ये फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर मैं कर पाया तो मेरी प्रॉब्लम्स तो सारी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, वो लोग करेंगे ना। अगर आपने किसी के दर्द का इलाज कर दिया तो वो आदमी आपको पता है क्या कहेगा, बताओ आपको क्या चाहिए, वो लोग आपके पीछे आएंगे। आपने उनको बोल दिया ना, नहीं मैं आज आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप बताओ उनका बताओ। मतलब कि अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बना लो तो दुनिया भागती हुई आपके पास आएगी। ये एक रास्ता है। एक है अंदर से तो स्ट्रांग बनो मत और दुनिया के पीछे भागते रहो, भैया मेरा कुछ हो सकता है, भैया मेरा कुछ हो सकता है, भैया कहीं लगवा दो, जॉब लगवा दो, भैया ये, भैया वो, भैया वो, अरे काहे का भैया, समझे? ये एटीट्यूड चाहिए। ढंके की चोट पे आप काम करो। मैंने लाइफ में जो भी काम किया है बिल्कुल एटीट्यूड के साथ किया है, ये मैं कर रहा हूं, आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो आगे बढ़ो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं आई बिलीव इन इट। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं आपसे। और बहुत सारे लोग होते थे जिनको मैं मना कर देता था, जो मैं नहीं कर रहा तुम्हारा शूट, और वो जाकर के 4 लोगों को पकड़ के ले आते थे, ये बंदा जेन्युइन है, इसमें दम है ना बोलने का। वो दम कहां से आता है? सोच से आता है। सोच को खोलो, बंद करके इसमें मत रहो, फाड़ दो, और फिर भी रहना है तो आपकी चॉइस है।